पोलो को बादशाहों का खेल कहा जाता है। यही वजह है कि इस खेल के इनाकाद भी शाहाना अंदाज से ही होते हैं। पोलो एंड सेडल क्लब क्वेटा में बलूचिस्तान पोलो टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब हुई। मुल्क भर से आई 8 टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा बनी हैं। मुंतजमीन का कहना है कि इनाकाद का मकसद अमन और कौमी हमाहंगी को फरोग देना है। यही वजह है कि टूर्नामेंट का मोटो भी पोलो फॉर पीस रखा गया है। मेहमान खसूसी कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने गेंद ग्राउंड में पहनकर इफ्तिताही मैच से टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज किया। इफ्तिताही मैच कराची और गुजरांवाला के दरमियान हुआ, जिसे कराची ने 4.5 गोल करके जीत लिया। पोलो के खिलाड़ियों का कहना है कि शाही खेल खेलने का अपना ही मजा है। बलूचिस्तान में पोलो टूर्नामेंट का इनाकाद खुश आइंद है। बहुत अच्छी बात है कि पोलो जो है वो यहाँ पे आई। यहाँ पे पहले भी अंग्रेज के ज़माने में और कुछ साल पहले भी यहाँ पे पोलो चलती रही, बट इतनी अच्छी फैसिलिटी के साथ पोलो रिवाइव होगी और ये टूर्नामेंट कराए ही इसलिए जा रहा है कि बलूचिस्तान के क्वेटा के जो लोग हैं वो इसमें इंटरेस्ट लें और वो भी आए और इसमें शामिल हों। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने अपने पैगाम में कहा कि बलूचिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। सूबे ने कई नामवर पोलो खिलाड़ी पैदा किए हैं। टूर्नामेंट 24 सितंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ सादी जहांगीर, 92 न्यूज़, क्वेटा।